नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो तो उस कमरे के फर्श का विकर्ण क्या है? ठीक है, उसने हमें लंबाई यानी L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, इन तीनों का अनुपात दिया है। क्या दिया है? 5:4:2। ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं कि जो लंबाई है वह है 5x, चौड़ाई है वह है 4x और ऊंचाई है वह है 2x। ठीक है, हमने सभी में x लगा के उसको मान लिया है। अब आगे उसने कहा है यदि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो। यहां पर हमें क्या दिया गया है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 144। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 144। ठीक है, तो यह सूत्र आपको याद रखना है, 2L+B×H, यह होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे हम। 2 बाहर है, लंबाई मानी हमने 5x, चौड़ाई है 4x गुणे ऊंचाई है 2x बराबर 144। ठीक है, यहाँ पर 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 2×9x×2x बराबर 144। तो x² बराबर कितना निकल के आएगा? ये सब नीचे चला जाएगा, 144/9×2×2। अब यहाँ हम इसको काट देंगे, जब 2 से काटेंगे तो 7 और 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 36 आएगा और 9 से काटेंगे तो 4 आएगा। यानी x² की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2। ठीक है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है। अब हम इस x की वैल्यू की सहायता से लंबाई और चौड़ाई को निकाल सकते हैं। लंबाई कितनी थी? 5x और चौड़ाई कितनी थी? 4x। x की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होगी? 5×2=10 और यहाँ रखेंगे 4×2=8 मीटर, दोनों में लगा देंगे। तो लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। लेकिन उसने हमसे पूछा था तो उस कमरे के फर्श का विकर्ण क्या है? तो विकर्ण का हम यहाँ पर लगा देंगे सूत्र। विकर्ण बराबर होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई हमारी है 10, तो 10 का स्क्वायर, और चौड़ाई है 8, तो 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 164। अब जब 164 के हम गुणनखंड करते हैं तो 2×2×41, यह इसके गुणनखंड निकल के आते हैं। इसमें से 2 आ जाएगा बाहर, तो 2 रूट के अंदर 41 मीटर, यह हमारा विकर्ण निकल आया। इकाई का विकर्ण है, यह उस कमरे के फर्श का विकर्ण की लंबाई है 2√41 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कैसे लगाया। पहले तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया था, तो हमने x लगा के तीनों वैल्यू निकाल ली। लंबाई को मान लिया 5x, चौड़ाई 4x और ऊंचाई 2x। फिर दूसरी चीज, हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया गया था, हमने चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के x की वैल्यू को निकाला जो कि 2 आई है। उसकी सहायता से लंबाई और चौड़ाई की एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गई, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। फिर हमने विकर्ण का फॉर्मूला लगा दिया, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और वैल्यू रखते ही हमें
आंसर मिल गया 2 रूट 41 मीटर। तो उस कमरे के फर्श के विकर्ण की लंबाई निकल के आ गई 2 रूट के अंदर 41 मीटर। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।